अगली खबर रीवा के गोविंदगढ़ से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब के किनारे महिला का शव जलता हुआ मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। महिला किन परिस्थितियों में जली है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं प्रारंभिक जांच में महिला की हत्या कर सबको जलाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटना बिछिया थाने के पड़ोखर गाँव की है, जहाँ पर स्थित एक तालाब के किनारे बनी झोपड़ी में सोमवार की रात करीब 8:30 बजे एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव जलता हुआ मिला। रात में आग देखकर जब लोगों ने समीप जाकर देखा तो महिला का शव जल रहा था। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। लगभग महिला का पूरा शरीर जल चुका है। महिला की पहचान श्यामा देवी तिवारी पति मथुरा प्रसाद तिवारी उम्र 72 वर्ष निवासी ओढ़की के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है, लेकिन फिलहाल घटना की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या करने के बाद सबको जलाया गया है। पुलिस ने फिलहाल घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्र कर जाँच शुरू कर दी है। जाँच के बाद ही घटना की वजह सामने आएगी। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो घटनास्थल से 2 लोगों को भागते हुए देखा गया है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए हैं।